वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अपना लगातार सातवां बजट पेश करने के बाद विपक्ष ने नाराजगी दिखाई। सत्ता पक्ष के सामने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए विपक्षी दलों ने एक साथ मिलकर रणनीति बनाई और इकट्ठा होकर संसद के बाहर प्रदर्शन करने का फैसला किया। विपक्षी गठबंधन इंडिया गुट ने केंद्रीय बजट को लेकर संसद के बाहर मोर्चा खोल दिया है और विपक्ष शासित राज्यों के खिलाफ भेदभाव होने का दावा किया। सभी को हाथ में तख्तियां लिए अपनी मांग सरकार तक पहुंचाते देखा जा सकता है। यही नहीं, सभी तेज आवाज में नारे लगाते हुए अपनी मांगे सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश करते दिखे। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी दलों के शीर्ष नेता दिखाई दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, सपा नेता जया बच्चन, आप नेता संजय सिंह, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा समेत तमाम नेता दिखे। नेताओं ने एनआई के साथ बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। हम सभी लोग, जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया, उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें, तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। नहीं, जो अन्याय हुआ सबको, बजट में कोई न्याय नहीं मिला, वो न्याय दिलाने के लिए हम लड़ रहे हैं। हर एमपी इंडिया ब्लॉक के अपने ही राज्य के बारे में प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे देश में ऐसे नहीं हो सकता। जब हमारे 28 राज्य है, 8 यूनियन टेरिटरी है और आप सब चीज़ें सिर्फ दो राज्यों के दे दी क्योंकि उनके साथ आपकी कुर्सी बचाता है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये अन्याय है और इसके लिए सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सर, नीति आयोग की बैठक होनी है, उसमें 4 सीएम एस्केप कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कांग्रेस शासित राज्यों का भी सीएम है। ये मुख्यमंत्री सोच रहे हैं कि अगर उनके लिए कुछ नहीं है तो किसी बातचीत करने में भी क्या फायदा, यही विषय है। सरकार चाह रही है कि आप लोग आइए सदन में, बातचीत होगी, हर मुद्दे पर बातचीत होगी। पार्लियामेंट के अंदर तो बातचीत होगी, अभी चर्चा होगी बजट पे, देखते हैं क्या होता है। आई हैव नो रिएक्शन। ये कोई बजट है रिएक्शन करने वाला? कुछ नहीं, दिस इज जस्ट अ ड्रामा। Promises which will be kept in the paper will not be implemented. ये प्रोटेस्ट इसके लिए है जिस तरीके से बजट में भेदभाव हुआ है, जो जो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं उनको टोटली इग्नोर किया गया है, और खास करके महाराष्ट्र तो इनका अलायंस के साथ चल रहा स्टेट है। महाराष्ट्र में पिछले 10 साल से, जैसे मैंने कल कहा था, प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना कल घोषित की है, यूनियन बजट नहीं था वो, वैसे ही प्रधानमंत्री महाराष्ट्र विरोधी योजना कल बजट में दिखाई दी। Down, 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 down. Opposition, we don't need budget. Down, down. Down, 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 down. Down, 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 down.